और अब मंच पर सुशोभित हमारे जो युवा नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी अपनी एक बहुत दमदार आवाज है और वो भी आपसे रूबरू होते रहे इन चार दिनों में। आपने देखा, हमने उनकी बात को सुना और यही भारतीय छात्र संसद का लक्ष्य भी है कि हमारे युवा नेता अपनी बात को कहें। तो मैं विक्रमादित्य राठौर को बुलाना चाहूंगी जो कि राजस्थान से आते हैं और LLM कर रहे हैं, अपने विचार रखेंगे। विक्रमादित्य राठौर। महाराणा प्रताप की भूमि का ये रजगण छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि को सत सत नमन करता है। मेरे युवा साथियों, सन 1947 में मातृभूमि के बंटवारे से पाकिस्तान का बनना और उसी पाकिस्तान की नामुराद हरकतों के कारण सन 2016 में पठानकोट का दर्द उबरना, ये दोनों ही घटनाएं देश की राजनीतिक क्षमता, नेतृत्व, उनकी नियति की कसौटियां जानने के लिए काफी है। और इन कसौटियों को जानने का जिम्मा हम युवाओं पर है, लेकिन ये युवा इन कसौटियों को जब जानने निकलता है तो उसके मस्तिष्क में एक पूर्वाग्रह आता है। वो सोचता है कि जब चांद में ही दाग हो तो गगन क्या करे, जब फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे। मेरे तिरंगे ने मुझसे रोक करके पूछा कि जब ये कुर्सी ही भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे। मेरे युवा साथियों, अगर ये सोच रही तो हिंदुस्तान विश्व गुरु के शिखर पर आसीन नहीं हो पाएगा। हमें ये सोच बदलनी होगी। इस राजनीति के पुस्तक के अध्याय नए सिरे से लिखे जाने चाहिए। इस बार राजनीति की पुस्तक के शब्द नीली दवात से नहीं, युवाओं के लाल रक्त से लिखे जाएंगे। मेरे युवा साथियों, बहुत हुआ इस देश की राजनीति अब बुढ़े, बोझिल व निस्तेज कंधों के सहारे नहीं रहेगी, वो इन युवाओं की फौलादी भुजाओं के सहारे दौड़ेगी। मेरे युवा साथियों, राजनीति का युवाकरण आवश्यक है, संभव है, स्वीकार्य है और अनिर्वचनीय भी है, क्योंकि ये युवा ही है जो शांति से लेकर क्रांति तक के पाठ पढ़ सकता है। ये युवा ही है जो सिकंदर से लेकर सुकरात तक के चरित्र को जानता है। ये युवा ही है जो ये जानता है कि क्रांति बम और पिस्तौल का पर्याय नहीं हो सकता। क्रांति के लिए विचार आवश्यक है, लेकिन साथ में वो ये भी सोचता है कि मात्र विचार ने इसे कुछ नहीं होगा, जंग लड़नी है तो शिद्दत के साथ लड़नी होगी, क्योंकि और इस जंग में टलना हमारी फितरत नहीं होगा। टल न सकते थे घर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, विरोधी हुआ कोई मेरे मुल्क से तो हम बिगड़ जाते थे, तलवार तो क्या हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। साथियों, हमारे संविधान निर्माताओं का एक सपना था एक समता मूलक राष्ट्र, एक राष्ट्र जो समानता, बंधुत्व, भाईचारे के मूल्यों के आधार पर खड़ा हो, लेकिन यह सपना थोड़ा सा दुष्कर प्रतीत हो रहा है। देश की राजनीति में जो आज फ्रस्ट्रेशन, ऑपरेशन, डिप्रेशन और सप्रेशन है, उससे ये थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये सपना हम पूरा करेंगे, हम जरूर करेंगे। इस राजनीति में पर्दापण करके बता दो उन हुक्मरानों को कि अब उनकी चूल्हे हिलने वाली है, क्योंकि ये युवा राजनीति में आने वाला है। मेरे साथियों, ये जंग अब हमें ही लड़नी होगी, ये मैदान खुला है, इस राजनीति में जरूर आना होगा। बहुत हुआ, बुजुर्गों का तजुर्बा बहुत देख लिया, अब इन युवाओं की फौलादी सोच देखनी है। ये जंग हमें पूरे शिद्दत के साथ लड़नी होगी। मैं देख रहा हूं कि मही प्रदीप्त है, दिशा दिगंत लाल लाल है, वो देख लो जवानियों की जल रही मसाल है, वो गिर रहे हैं आग में पहाड़ टूट टूट के, वो आसमां से आ रहे हैं रत्न छूट छूट के, बड़ो बड़ो की आग में अनीतियों को झोंक दो, उठो उठो की राह में कुरीतियों को रोक दो, परंपरा की होलिका जला रही ये जवानियां, जला रही ये जवानियां, जला रही ये जवानियां। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रमादित्य का ये जोश, ये जज्बा वाकई काबिल तारीफ है और हमें ऐसे ही युवा नौजवानों की जरूरत है राजनीति में। और यहाँ पर स्वागत अभिनंदन इस युवा नेता का, बहुत बहुत धन्यवाद।